नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। अगर आपके पास में कोई कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, या प्रोड्यूसर कंपनी हो, या एनबीएफसी कंपनी हो, जो भी कंपनी आपके पास है, तो कंपनी ऑडिट करने के लिए आज चेकलिस्ट बताने वाला हूँ। ये पूरा वीडियो आप देखिए, और देखने के बाद ये चेकलिस्ट अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा, मैं इस वीडियो के दौरान भी आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है प्री ऑडिट प्रिपरेशन। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब ये कि आपकी कंपनी नॉर्मल ऑडिट में जाएगी या फिर टैक्स ऑडिट में जाएगी। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करेगी तो टैक्स ऑडिट में जाएगी, अदरवाइज वो नॉर्मल ऑडिट तो करना ही होगा। यहाँ वॉलंटरी नहीं है, कंपनी अगर है तो कंपनी में ऑडिट होना कंपलसरी है। टैक्स ऑडिट होगा कि नहीं होगा उसके लिए एप्लीकेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, राइट। दूसरा ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह करना है, और तीसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करके रखना है। हर एक ट्रांजेक्शन जो कंपनी से रिलेटेड है उसकी पूरी एंट्रीज आपने करी है नहीं करी है पूरा वेरीफाई कर ली। अब सेकेंड स्टेप आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करना। सबसे पहले बैलेंस शीट को वेरीफाई करना। बैलेंस शीट में क्या वेरीफाई करना है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्यूरेटली आए हैं कि नहीं आए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये आपको वेरीफाई करना है। दूसरा है प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट को सही ब्लॉक में क्लासिफाई भी करना है, उसको वैल्यूएशन भी सही होना चाहिए। इन्वेंट्रीज जो स्टॉक्स अगर आपके बिजनेस में होते हैं तो फिर वो स्टॉक्स को सही लिखना है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए वो इन्वेस्टमेंट्स को भी राइट वैल्यू पे दिखाना है। राइट वैल्यू वो है जो आपने पैसे लगाए वही राइट वैल्यू है, राइट। अब सेकंड वेरिफिकेशन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या क्या वेरीफाई करेंगे, सबसे पहला है इनकम का स्ट्रीम्स। इसका मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम है केवल वही इनकम आ सकता है। दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो आपका बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू है जो ऑपरेशंस काम करने से आता है उसको भी आपको सारे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई अदर इनकम अगर आता है तो अदर इनकम भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इनकम की बात हो गई तो वेरीफाई क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड रिकरिंग या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है ये भी पूरा डालना है, और इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस अगर है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके बिजनेस से ही कनेक्टेड है तो फिर उसको भी बिजनेस में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट तो जरूरी है, इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं था। इसमें तीन तरीके का कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो आपको दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास में ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या था वो डालना पड़ेगा। अब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके पास आ जाता है, और ये बिजनेस डिसीजन में भी काम आता है और साथ ही साथ आपके लिए कंपलसरी भी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कंपनी ऑडिट में देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी एप्लीकेबल हैं कंपनी से रिलेटेड वो सारे का हम लोगों ने चेक किया कि नहीं किया, कि वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फॉलो किया गया है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलीज किया हुआ है। वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और इसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ एस्टीमेट सिग्निफिकेंट जजमेंट्स भी दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे अपने नोट्स में और वेबसाइट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। आप वहां पर डायरेक्टली जाके आईसीएआई के साइट में जाकर आप देख सकते हैं और सारे चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे सही है कि नहीं है। सबसे पहले जीएसटी आपको देखना पड़ेगा कि जीएसटी के रिटर्न पूरे फाइल हो चुके हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो रिकंसिलेशन बनाने पड़ेंगे। फिर टीडीएस आपको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा टीडीएस का डिडक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, टाइमली टीडीएस का रिटर्न फाइल हुआ कि नहीं हुआ, और इसके साथ ही साथ में टीडीएस के सर्टिफिकेट्स आपने दिए कि नहीं दिए, फॉर्म नंबर 16A जो आपको इशू करना रहता है वो आपने इशू किया कि नहीं किया, रिकंसाइल किया कि नहीं किया। इसके बाद पीएफ और ईएसआईसी का भी आपने डिडक्शन फाइलिंग रिटर्न ये सारी चीजें की है या नहीं की है, चालान समय पर भरा है कि नहीं भरा है, इससे रिलेटेड भी कोई रिकंसिलेशन है तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर समय पर इसका पेमेंट नहीं होता है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको डिसअलाउ कर देता है, इसीलिए आपको टाइमली पेमेंट भी करने का जरूरत है। इसके अलावा अगर कोई और कंप्लायंसेस हैं जो किसी और स्टैट्यूट या किसी और एक्ट से कनेक्टेड है तो फिर वो भी आपको कंप्लायंस किया है नहीं किया है अकाउंटिंग के साथ में चेक करना पड़ेगा। अब बारी आती है वेरिफिकेशन करने का। वेरिफिकेशन पहले तो मैंने कहा कि भैया ये सारी चीजें हैं कि नहीं, अकाउंटिंग हुई कि नहीं देख लो। अब वेरीफाई करना पड़ेगा सेल्स और रेवेन्यू को, मतलब जितने भी इनकम आए सेल्स और रेवेन्यू के जरिए हमारे बिजनेस में वो, और अदर इनकम को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से भी देखना है, सेल्स के जो भी रिटर्न आपने भरे हैं उसके हिसाब से भी देखना है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट से भी क्रॉस वेरीफाई करना है, किसी भी तरीके से कोई गलती छूटे नहीं, कोई एंट्री भी
ना छूटे। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे को भी वेरीफाई करना है। इसमें तीन पार्ट है, सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस जिसके बिना बिजनेस बंद हो जाएगा, इसका मतलब वो एक्सपेंसेस अपने व्यापार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको वेरीफाई करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको वेरीफाई करना है। इसके अलावा और जो भी कॉस्ट आपके बिजनेस के लिए सबसे जरूरी थे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसको बुक किया है या नहीं किया है। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको चेक करना पड़ेगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकता है, एंड अदर एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे का आपने प्रॉपर अकाउंटिंग किया है, प्रॉपर चेकिंग किया है। इसके बाद डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी निकालना पड़ेगा और कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी निकालना पड़ेगा। ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स आता है। वो डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना है, वो किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस का वेरिफिकेशन करना, सेक्शन 269 SS और 269 T आपको वेरीफाई करना है। उससे रिलेटेड कंप्लायंस और रिपोर्टिंग और जो डिस्क्लोजर करना आपने किया कि नहीं किया, ये आपको देखने की जरूरत है। और एक और चीज आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है वो गुड है या नहीं है। गुड का मतलब वो मिलेगा, या फिर आपको पता है कि मिलेगा नहीं फिर भी आप दिखा के रखे हो, तब तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, इट इज गुड, डाउटफुल और बैड, राइट। नेक्स्ट है आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ेंगे, सेक्शन 40 A(2). इसका मतलब ये कि आपके किसी भी रिलेटिव को आपने कुछ ज्यादा पेमेंट तो नहीं दिया। सपोज उसके पढ़ाई लिखाई और जानकारी के हिसाब से उसको 10,000 रुपए महीने का मिलना चाहिए, आपने 1,00,000 दे दिया, तो 90,000 आपने एक्स्ट्रा दे दिया, जो कि डिसअलाउड हो जाने वाला है। इसलिए 40A(2) का भी कंप्लायंस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का देखना है, और साथ ही साथ आपको डिस्क्लोजर भी करना है अगर ऐसा कोई केस आता है तो। इसके बाद में आपको रिव्यू करना है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका मतलब ये उसमें आपको देखना है कि शेयर कैपिटल कितने भी, अगर आपने कुछ एडिशनल शेयर इशू किया है या फिर शेयर ट्रांसफर हुआ है, उससे रिलेटेड जो कंप्लायंसेस हैं ROC के, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के, वो आपने किए हैं या नहीं किए। इसके साथ में अगर कैपिटल में या रिजर्व्स में किसी भी प्रकार का चेंजेस हुआ है तो वो चेंजेस राइट होना चाहिए, इसका मतलब सही अकाउंटिंग के कारण वो चेंजेस हुआ रहना चाहिए, सही ट्रांजैक्शन के कारण चेंजेस हुआ रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिव्यू स्टैट्यूटरी ड्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ड्यूज जैसे मैंने बोला कंप्लायंसेस चेक करना है, जैसे GST, PF, ESIC, ये सारे का कंप्लायंसेस के साथ में आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है क्लोजिंग के वो भी आपको चेक करने, वो सच में उतने देने थे या नहीं देने थे, उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो डॉक्यूमेंट भी चेक कर लीजिए। इसके साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं ये बराबर दिखाए गए हैं या नहीं दिखाए गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट आता है कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। कंटिजेंट लाइबिलिटीज इसका मतलब कोई केस हमारे ऊपर हो रखा है या हमने किसी के ऊपर केस कर रखा है या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो बाद में खड़ी हो सकती है या फिर वो हमको देना पड़ सकता है अचानक से, तो उसको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ड्यूज है जो हमको लेने हैं जो कि डाउटफुल डेप्थ हो गया है या जिसकी वारंटी खत्म हो गई है या फिर किसी और प्रकार की लायबिलिटी जो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसका डाउट है, उसका प्रोविजन सही तरीके से आपने एंट्री किया है या नहीं किया है ये चेक करिएगा। इसके बाद में टैक्स कंप्यूटेशन का वेरिफिकेशन आपको करने की जरूरत है। टैक्स कंप्यूटेशन के वेरिफिकेशन के दौरान आपको टैक्स का रिकंसिलेशन भी करना पड़ सकता है, बुक्स ऑफ प्रॉफिट के साथ में टैक्स को भी कैलकुलेशन करिए, उसका प्रोविजन और उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर आपने की कि नहीं की बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये भी देख लीजिए। इसके साथ में किसी प्रकार का एडजस्टमेंट या प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलाउड है या फिर करना है तो वो करिए। साथ में मैट का प्रोविजन कंपनी में आता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का 115JB, उसका भी प्रोविजन आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको बनाना है, इसमें फॉर्म नंबर 3CA आपको बनाने की जरूरत रहेगी अगर कंपनी आप हो, और 3CD में पर्टिकुलर्स पूरे भरने पड़ेंगे जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स ऑडिट के लिए स्पेशली बनाए गए, वो सारे पॉइंट आपको फिलफिल करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई क्वालिफिकेशन है या फिर कुछ नोट्स है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, वो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। जब आप ये सारा चीज कर चुके रहेंगे इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट के साथ आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होने के बाद ये डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके बाद में इससे रिलेटेड आपको पास करना पड़ेगा मीटिंग में इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसको अप्रूव होने के बाद ही इसकी फाइलिंग पॉसिबल हो पाती है और इसके कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। और फाइनली सारा कंप्लायंसेस कर लिया आपने, ऑडिट कर लिया, उसके बाद कम्युनिकेशन विद टैक्स अथॉरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टैक्स ऑडिट फाइल किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्वेरी भी आ सकती है, हो सकता है कि कोई डिमांड ना करे, हो सकता है रिफंड आ रहा हो, किसी भी कंडीशन में कोई भी क्वेरी, कोई भी कम्युनिकेशन आपको उनको फुलफिल करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब आपका ये ऑडिट और ये फाइनेंशियल ईयर का पूरा जो बुक्स है ये हर तरीके से कंप्लीट और क्लोज माना जाता है। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandy.